ऑलराइट सुहान जी पब्लिक, कैसे आप सब? उम्मीद से बढ़िया फर्स्ट क्लास के होंगे। और आज मैं लेके आऊँ कर्व्स का टॉपिक, जो कि मतलब फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि कर्व्स जो ऐसा नहीं है जो आपको मतलब एकदम नोक से पूरा बता देगी, और मतलब आपको पता भी चलेगा कर्व्स में आप मास्टर भी कर जाएंगे, जो ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और एकदम मतलब फालतू ट्रिक्स ऐसी ट्रिक्स आपको किसी को नहीं बताएगी, कोई भी यूट्यूबर ऐसी ट्रिक्स आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि आप उसके लेवल की फोटो एडिटिंग करें एंड उसके लेवल पर आ जाए। एंड मतलब जो कलर ग्रेडिंग का जो मेन रीजन है, और जो मतलब कलर ग्रेडिंग जैसे होती है, वो सिर्फ कर्व्स की मदद से अच्छी हो पाती है। एंड जो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स एंड यूट्यूबर्स जो आप देखे होंगे एडिटर में, वो सभी इस कर्व्स से कलर ग्रेडिंग करते हैं। सो कर्व्स के काफी ज्यादा फायदे भी हैं, इससे हम अच्छे से कलर ग्रेड कर सकते हैं, हमारा टाइम भी बच जाता है, और काफी कुछ भी हर कहीं यूज हो सकता है, वीडियो एडिटिंग में, फोटो एडिटिंग में एंड मैनी मोर थिंग्स जो भी है हम यूज करते हैं, उसमें हमारी कलर ग्रेडिंग होती है, उसमें हम कर्व्स यूज कर ही सकते हैं। सो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कर्व्स से हम कैसे अपनी फोटो की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उसमें जो कलर डाल सकते हैं एंड उसके जो ब्लैक शेडोज वाइट्स हाईलाइट्स जो भी वगैरह सब कुछ एडजस्ट कर सकते हैं सिर्फ कर्व्स की मदद से। सो सबसे पहले मैं आपको कर्व्स के बारे में थोड़ी बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो नॉर्मली जो हमारा कर्व्स का पैनल है वो कुछ ऐसा ही दिखता है हर कहीं पे, जहाँ भी आप एडिटिंग करोगे वहाँ पर जब कर्व्स होगा तो वो ऐसा ही दिखेगा। सो जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट होता है वो ब्लैक्स के लिए होता है, जो फोटो में हमारे ब्लैक्स होते हैं, एंड उसके ऊपर का पॉइंट जो शेडोज के लिए होता है, एंड उससे ऊपर वाला पॉइंट मिड टोन्स के लिए, एंड उससे ऊपर का हाईलाइट्स, एंड सबसे ऊपर होता है वाइट्स के लिए। सो ये पाँच पॉइंट्स होते हैं जो कर्व्स में होते हैं, और यही पाँच चीज़ें जो फोटो में एडजस्ट करती हैं हमारी कर्व्स। सो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि फोटो में ब्लैक शेडोज मिड टोन्स हाईलाइट्स और वाइट्स क्या होते हैं। सो वो अपनी इमेज की तरफ जाते हैं। सो भाई लोग आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट जो हमारा है यहाँ पर पूरा मतलब ब्लैक है, बिल्कुल कोई डिटेल नहीं है यहाँ पर। सो ये हम ब्लैक्स वाला कहेंगे यहाँ पर, एंड उसके बाद शेडोज वाला पॉइंट जो है वो मतलब यहाँ पर होता है, इसको हम शेडोज कहेंगे फोटो की, क्योंकि यहाँ पर हल्का सा दिख रहा है शेडोज पर डार्क है ये पार्ट। एंड उसके बाद आता है मिड टोन्स, जहाँ पर नॉर्मल लाइट है, ना ज़्यादा ब्राइट है ना ज़्यादा कम है, सो ये वाला पार्ट हमें मिड टोन्स कहेंगे इसको। एंड उसके बाद आता है हाईलाइट्स, सो जहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा लाइट होती है, सो ये वाला पार्ट जो है वो हाईलाइट्स कहेंगे इसको। एंड उसके ऊपर वाइट्स आता है, जहाँ पर वाइट पूरा होता है नो डिटेल के साथ, सो इस पार्ट को हम वाइट्स कहेंगे। सो आप समझ गए होंगे कि शेडोज, ब्लैक्स, मिड टोन्स, हाईलाइट्स, वाइट्स क्या होते हैं। और जो कर्व्स है वो हमें कलर एडजस्ट करने की ऑप्शन भी देता है, जो हमारी आरजीबी टैब है उसकी मदद से हम जो कलर्स भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो हमारा आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू है उसी के साथ हम जो हमारे कलर्स हैं उसको छेड़ सकते हैं। अगर हम रेड की तरफ जाएं एंड रेड के मिड टोन को छेड़ें तो ऊपर की ओर करें तो जो हमारे मिड टोन है वो रेड की ओर हो जाएंगे, एंड वैसे ही जो हमारे ग्रीन है उसके मिड टोन को हम छेड़ेंगे मतलब पॉइंट को ऊपर लेके जाएंगे सो वो ग्रीन हो जाएगा, एंड ब्लू वाले पॉइंट को मिड टोन को हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। सो ऐसे ही होता है मतलब कलर्स की एडजस्टमेंट, एंड हाईलाइट्स को छेड़ेंगे तो हाईलाइट्स एडजस्ट हो जाएंगे। सो आरजीबी के ऑपोजिट होता है CMY, मतलब सियान, मजेंटा एंड येलो। एंड अगर हम पॉइंट्स को मतलब उनके ऑपोजिट साइड की ओर लेके जाएं, मतलब रेड के नीचे ऑपोजिट आए, तो जो हमारा कलर मिड टोन में आएगा वो सियान आएगा। एंड उसी तरह अगर हम ग्रीन के मिड टोन को नीचे लेके आए पॉइंट वाले को, तो जो हमारे मिड टोन्स का कलर है वो हमारा मजेंटा हो जाएगा। एंड उसी तरह हमारा ब्लू का भी ऐसे ही होगा। सो ऐसे ही हमारे कलर्स को छेड़ सकते हैं एंड ऐसे हम कलर चेंज कर सकते हैं फोटो में। सो अब प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ हम कैसे अपनी फोटो में जो कलर्स चेंज कर सकते हैं एंड लाइट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सो चलते हैं भाई। सो अब इस फोटो को मैं लाइट रूम में खोल लेता हूँ एंड कर्व्स की ऑप्शन में खोल लेता हूँ, एंड अब इसमें मैं करूँगा लाइट की एडजस्टमेंट कर्व्स के साथ, एंड आरजीबी की टैब से मैं कलर की भी एडजस्टमेंट करूँगा। सो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि फोटो में मतलब ब्लैक्स में काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, सो ब्लैक्स को थोड़ा सा फेड करूँगा। सो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है ब्लैक वाला पॉइंट, उसको थोड़ा सा मैं ऊपर की ओर लिफ्ट करूँगा। सो देखते हैं, देखो मतलब ब्लैक्स में तो थोड़े फेड हो गए हैं, थोड़ा ब्राइट लुक आ गया ब्लैक्स में, सो ठीक लग रहा है अपने को। एंड उसके बाद थोड़ा सा शेडोज थोड़ा सा नीचे की ओर करूँगा, क्योंकि थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लुक आ जाए। एंड उसके बाद थोड़े मिड टोन्स हैं ऊपर की ओर, एंड थोड़ा सा ब्राइट हो गया। एंड उसके बाद हाइलाइट्स भी थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, एंड वाइट्स जो है वाइट वाला पार्ट उसको मैं नीचे की ओर लिफ्ट करूँगा। सो आप देख सकते हो मतलब एस कर्व बन चुकी है, जो कि मतलब काफ़ी मतलब मशहूर कर्व है, मतलब हर कोई इस कर्व को यूज़ करता है, मतलब इस स्टाइल को एस बनाते कर्व को, क्योंकि इससे जो कंट्रास्टिक लुक आ जाता है फोटो में, एंड काफ़ी ज़्यादा काम जो है इस कर्व से ही चल पाता है।
एंड अगर आपको कर्व थोड़ी सी कम्प्लेक्स लगती है तो आप इसी कर्व का यूज़ कर सकते हो, मतलब ऐसे पॉइंट्स को रख सकते हो अपनी फोटोज में। सो अभी मेरे को इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं थोड़ा शेडोज थोड़ा ब्राइट करूँगा एंड ब्लैक्स को थोड़े से मतलब एडजस्ट करूँगा नीचे की ओर, एंड उसके बाद आप देख सकते हो फोटो मतलब नेचुरल लुक आ गया। अब डार्क नहीं लग रही फोटो ज़्यादा, ब्लैक्स बहुत कम हो चुके हैं फोटो में एंड मतलब न्यूट्रल सा लुक आ गया फोटो में। एंड अभी मैं इसमें जो है ग्रीन टैब में जाता हूँ, सो नहीं ब्लू टैब में जाता हूँ, एंड ब्लू टैब में से मैं इसका थोड़ा सा ऊपर की ओर लिफ्ट करता हूँ, मिड टोन्स को नीचे की ओर लिफ्ट करूँगा एंड हाईलाइट्स को थोड़ा सा ऊपर, ताकि थोड़ा सा ब्लूइश लुक आ जाए हाईलाइट्स में, एंड थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। सो इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि सही कलर जो लाना पड़ेगा आपको वो धीरे धीरे ही मतलब आएगा फोटो में, एंड वो प्रैक्टिस करके आपको खुद टू खुद आ जाएगा। एंड अब मैं देखता हूँ ग्रीन पे जाता हूँ एंड ग्रीन पे थोड़े से मिड टोन थोड़े ग्रीन को कम करता हूँ, सो नीचे की ओर लिफ्ट करता हूँ थोड़ा, एंड हाईलाइट्स में मिड को थोड़े पॉइंट बनाता हूँ एंड मिड टोन वाले को भी छोड़ता हूँ, शेडोज को थोड़े से नीचे की ओर रखता हूँ एंड ब्लैक्स को थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। सो अब यहाँ पर मेरे को ठीक लग रहा है, बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो, थोड़ा सा मतलब रेडिश लुक आया तो रेडिश कर जाते हैं एंड इसके जो मिड टोन्स हैं थोड़े से कम करेंगे, सो हाँ ठीक लग रहा है मेरे को। यहाँ पर ठीक लग रहा है मेरे को एंड डन करते हैं। आप देख सकते हो मतलब फोटो में काफ़ी बढ़िया लुक आ गया, एकदम नेचुरल था एंड फोटो में कोई डार्क पार्ट नहीं, एकदम सब न्यूट्रल सा लग रहा है एंड काफ़ी कॉन्ट्रास्टिक लुक भी आ गया फोटो में। सो आप इसी तरह कर्व्स की एडजस्टमेंट के साथ आप ये खेल सकते हो एंड कर्व्स को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो एंड न्यूट्रल बना सकते हो एंड और भी अच्छा बना सकते हो। सो प्रैक्टिस करते जाओ भाई लोग एंड कर्व्स आपको खुद ब खुद आती जाएगी, फंडा तो आपको समझा ही दिया है। एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना एंड वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड वीडियो को लाइक कर देना।